अब मैं आपको उदाहरण के रूप में तीन सेक्टर की स्थिति समझाता हूं। ये तीन सेक्टर वो हैं सरकारी नौकरियों वाले, जिनमें 85% राज्य सरकार के मुलाजिम हैं। तो मतलब राज्य सरकार में जितने मुलाजिम हैं उनके कुल मुलाजिमों के 85% शिक्षा में, स्वास्थ्य में और पुलिस में है। अब शिक्षा की स्थिति सुन लीजिए। 2.25 लाख सरकारी स्कूल में टीचरों की स्थान रिक्त हैं। 2.25 लाख, ये 2022 के अंत की स्थिति है। हाल में 2023 में, मतलब जब जदयू और राजद की सरकार बनी, तो आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने ये वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, देंगे। तो ये शुरुआत जरूर हुई और ये पहल, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी तेजस्वी बता रहे थे कि रोजगार शुरू, नियुक्तियां शुरू हुई हैं। तो स्कूलों में काफी नियुक्तियां हुई हैं, हाल में नियुक्तियां हुई हैं, उसमें काफी झगड़ा फसाद चला, मगर फिर भी नियुक्तियां शुरू हुई हैं। मगर अब आप सोचिए कि अगर दशकों से आप स्कूलों में टीचर ही नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तो कहां से प्रोग्रेस होगी? जी कहां से प्रोग्रेस होगी, हो ही नहीं सकती। और सुनिए, हायर एजुकेशन में, यानी कि टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों की स्थिति, उसमें 21,000 स्थान रिक्त हैं। 21,000 कॉलेजों में, जी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। अब आप सोच सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी की क्लास में 100-200 बच्चे अगर होंगे तो टीचर कैसे पढ़ाएगा और बच्चे क्या सीखेंगे? बिल्कुल तो आप सोच नहीं सकते। और इन और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, तो ये जो बच्चे बच्चियां जो हायर सेकेंडरी में उनकी उनका पंजीकरण हुआ, वो एनरोलमेंट हुआ, वो पढ़े, तो सब यूनिवर्सिटी चले आते हैं और वहां यूनिवर्सिटी क्या कॉलेज चले आते हैं, कोई पढ़ाई नहीं होती, सो दे आर अनएम्प्लॉयबल्स। तो इसलिए उनको वहां तो रोजगार मिलता नहीं है। वो अब आप क्या पा रहे हैं थी कि अभी मैं एक इंटरव्यू बीबीसी में दे रहा था, 10,000 लोग हम इसराइल में भेज रहे हैं बेरोजगार। ऐसी स्थिति कैसे? और वहां पे आर्मी में इंडक्ट करे जा रहे हैं शायद? नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्कर, इजाजत नहीं दिया जा रहा है, तो भारत से जा रहे हैं, अब देखिए वॉर जोन में जा रहे हैं लोग, कितना डेस्परेशन है कि यहाँ से जा रहे हैं। अब और सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाएं की हालत क्या होगी? कोविड में सबको मालूम है कि यूपी बिहार में क्या दुखद स्थिति थी, लाशें गंगा से में बह रही थी। तब आप सोच गंगा के तट पे दफना दी गई थी क्योंकि कोई साधन नहीं था। जी 58,000 डॉक्टर और नर्सेस की कमी है, 58,000 जी। और ये सारा नीतीश कुमार और भाजपा की सरकारें बनी रही है, उस दौरान किसी ने ख्याल नहीं आया। जी अब आप सोच लीजिए,